मित्रों नमस्ते, मैं बलराम जाट आज हूँ अपने मित्र गजेंद्र पाटीदार जी के यहाँ पर बड़दा अंजड़। आज तारीख है 15/5/2018 और उनके खेत पर हूँ। ऑर्गेनिक कृषि या कहें प्राकृतिक कृषि कैसे होती है ये आपको उनके खेत पर आकर पूरी देखने को मिलेगी। ये कुछ ड्रम है जीवामृत के लिए और ये कुछ घन जीव अमृत का ढेर है, कुछ बायोमास कार्बन है। और मित्रों ये जो प्रोसेस हो रही है तालाब में, यह प्रोसेस है अमृत मिट्टी की। अमृत मिट्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मिट्टी में कार्बन का परसेंटेज बहुत अच्छा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। और केवल अमृत मिट्टी प्रोसेस एक बार बायोमास को ये अमृत जल में डुबा करके जो प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद में खेत में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं रहती, बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप होती है और ये पूरी जमीन अमृत मिट्टी से ढकने वाले हैं। ये मार्किंग कुछ करके रखी है खेत में जहाँ पर सभी तरह के आम पेड़ और सब कुछ आएंगे। हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक 8-10 सालों से, लेकिन हर साल नया इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि और बेस्ट क्या कर सके, और बेस्ट क्या कर सके। 2018 में हमें अमृत जल और अमृत मिट्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि अभी तक जो किया था उसमें थोड़ा सा अपडेट ये है अमृत जल। और सामने जो देख रहे हो मेरे मित्र हैं, पहुड़ा जो चला रहे हैं केप पहन के, गजेंद्र भाई पाटीदार छोटा पड़दा से, और ये सारी उनकी टीम है। ये 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए ये बायोमास कार्बन को इस तालाब में अमृत जल में डुबा के रखा है। जब उस कार्बन ने अमृत जल को सोख लिया उसके बाद अब उसको निकाल के मिट्टी में अच्छादन कर करके फिर उसकी प्रोसेस बना रहे हैं कि वो बायोमास कॉलोनी डेवलप हो खेत पे ही। इस तरीके से एक एक लेयर लगा रहे हैं, ये कुछ साधन लगाया है ट्रैक्टर से खींच करके ये तालाब से थैला बाहर कर रहे हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, अगर बड़ी मात्रा में करना है, 1-2 एकड़ 4 एकड़ में बड़ा कुछ करना है तो ये आसान प्रोसेस है कि ट्रैक्टर से खींच लें। हमारे मित्र हैं कैलाश पौणा जो ट्रैक्टर पे हैं। इस तरीके से ये अमृत मिट्टी तैयार हो रही है, बायोमास कार्बन है, सभी तरह के पेड़ पौधों का अवशेष कचरा ये तालाब से खींच रहे हैं कार्बन को जो अमृत जल में भीग चुका है, पूरा उसमें मय हो चुका है। ये एक एक लेयर मतलब 1 इंच की लेयर कार्बन की डालते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी का डस्ट डालते हैं, फिर 1 इंच की लेयर डालते हैं। इस तरीके से ये अमृत मिट्टी का बेड तैयार होता है। ये अपनी सरल भाषा में कहें तो सभी तरह के पेड़ पौधों का अवशेष बायोमास जिसमें नमी नहीं थी, ड्राई बायोमास था, उसको फिर अमृत जल में डुबा करके रखा, उसमें जब अमृत जल को सोख लिया उसके बाद में अब उसको फैला रहे हैं, उसकी 7-9 लेयर बना रहे हैं और उस पर मिट्टी बिखरा रहे हैं। साथ में कुछ गौशाला से गो अर्क लाए हैं, ये वो है जो कैसे समझाऊंगा, एक तो अपना गोबर का ढेर आता है मतलब गौशाला के बाड़े में से या इकट्ठा जो दिन भर में होता है उसको अपन एक जगह इकट्ठा करते हैं, और ये दूसरी चीज है, ये है जो वहाँ पर चरवासे में घूमने फिरने से जो मूत्र और गोबर और सब वहीं के वहीं उनके पैरों के नीचे भी आ रहा है और सब कंपोस्ट भी हो रहा है, ये गो अर्क है, ये गोबर नहीं है। गौशाला में जितनी भी गाय माताएं हैं उनके पैरों के नीचे से जो समेट करके अलग से इकट्ठा किया जाता है। मित्रों ये प्रोसेस लगभग हम डेली अपडेट कर रहे हैं, ये मोरिंगा फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पूरा ये सिस्टम तैयार कर रहे हैं। और बाकी और भी आम और दूसरी फसलें भी रहेगी, दलहन तिलहन और लगभग सारी फसलें रहेगी। थैंक यू।